हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद एक व्लॉग डाल रही हूँ। व्लॉग भी नहीं है वो, एक्चुअली मुझे मैंने हैबर्स की एक रेसिपी देखी, हैबर्स की चैनल देखी और उसमें बहुत सारी रेसिपीज़ हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं हैबर्स की जो मोस्ट व्यूड रेसिपी है वो घर पे ट्राई करके देखूं और आपके साथ शेयर करूं कि कैसी बनी है वो। तो हैबर्स किचन के पेज पर जो मोस्ट व्यूड रेसिपी है वो पाव भाजी की है। तो आज मैं वो पाव भाजी बनाने वाली हूँ आपके साथ और देखूंगी कि कैसी बनी है। उसके एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ ही शायद थोड़ा बहुत मैं थोड़ा बहुत चेंज करूंगी, बहुत ही कम चेंज करूंगी अगर ऐसा कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं रहेगा तो। लेकिन अदरवाइज़ मैं वो ही रेसिपी फॉलो करके वही पाव भाजी ट्राई करने वाली हूँ। एड 1 टीस्पून बटर, बटर टू पैन, 1 टेबलस्पून बटर में 3 फाइनली चॉप्ड टोमेटो मैंने रेसिपी लिख कर रखी है ताकि मुझे इजी पड़े वो वीडियो बार बार पॉज करने की वजह। ओके, तो इसमें हम डाल देंगे 3 फाइनली चॉप्ड टोमेटो। इसको कुक नहीं करना है, साथ में डालना पड़ा है सब कुछ। 3 फाइनली चॉप्ड टोमेटो के साथ एंड 1/4 कप पीस फाइनली चॉप्ड कैप्सिकम ये डाल दिया। कैप्सिकम एंड 2 बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटोज बोला गया है वीडियो में कि सॉल्ट डालना है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून मुझे बहुत कम लगा, मतलब मेरी ग्रेवी के हिसाब से 1 टीस्पून इज वेरी लेस। सो आई एम एडिंग सॉल्ट एज पर टेस्ट। सॉटे फॉर 2 मिनट्स के बाद इसमें हाफ कप वाटर डालकर मिक्स करना है और 10 मिनट्स के लिए बॉइल करना है। तो ये लगभग हो गए हैं 10 मिनट्स हमारे, इसको बस ऐसे ही करना था। और इसमें डालना है अभी 1/2 कप वाटर मिक्स। कवर एंड बॉइल फॉर 10 मिनट्स। इसको कवर करके रख देते हैं और अभी हम 10 मिनट्स के बाद देखेंगे क्या हो रहा है। ओके, तो 10 मिनट्स हो गए हैं, अभी इसको मुझे मैश करना है। पहले मैं मैश कर लेती हूँ, कवर एंड बॉइल फॉर 10 मिनट्स। अभी इसको मैश करना है, मैश स्मूथ, इसे मैश स्मूथ कर रहे हैं। इसमें डालना है, सॉरी, इसमें मैश स्मूथ करके क्या डालना है, इसमें 1 टीस्पून चिली पाउडर डालना है। ओके, 1 टीस्पून चिली पाउडर, देन 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर, और सॉरी पाव भाजी मसाला, 1 टीस्पून पाव भाजी मसाला, तो मार्केट में जो मिलता है वही है, 1 टीस्पून पाव भाजी मसाला एंड देन 1 टीस्पून कसूरी मेथी, कसूरी मेथी। ओके, सब डाल दिया। देन वी हैव टू ऐड फाइनली चॉप्ड, सम फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर। ओके, एंड सॉटे फॉर 1 मिनट। सो विल बी सॉटिंग दिस फॉर 1 मिनट। अब
आपका। इसमें कुछ फ्लेम का मेंशन नहीं किया है, मैं तो मीडियम फ्लेम पर ही सर्व कर रही हूँ, पता नहीं कौन सी फ्लेम डालनी है, मैंने मीडियम फ्लेम पर ही सर्व किया है। सॉटे फॉर 1 मिनट, देन वी हैव टू स्टिक द भाजी टू साइड एंड अगेन एड बटर। मेरा पैन ठीक नहीं है, मुझे पैन चेंज करना पड़ेगा, एक सेकेंड। And stick this to the sides. I think this is not able to stick it to sides. And add 1 tablespoon butter again. And butter again. So we add in butter. 1 teaspoon chili powder again. 1/4 teaspoon chili powder, 1/2 teaspoon pav bhaji masala, 1 teaspoon kasuri methi, and then ginger garlic paste, 1 teaspoon ginger garlic paste. Okay, and we have to add 1 onion finely chopped. Now we have to mix this. Then it says add red food color. Optional है food color, इसलिए मैं food color नहीं डालूंगी क्योंकि मुझे food color ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं सिर्फ mix well करना है। इसके बाद mix well and add 1/2 cup water. Just consistency and boil and mash. Okay, consistency ठीक लग रही है, इसको मैं और mash करूँगी ताकि स्मूथ टेक्सचर आ जाए इसका। मैश करके 5 मिनट तक बॉईल करना है और हो गई पाव भाजी हैबर्स की रेडी। दिखने में थोड़ा फीका लग रहा है कलर, शायद इसलिए क्योंकि हमने फूड कलर नहीं डाला है, तो डालना है तो डाल सकते हैं, लेकिन मुझे फूड कलर पसंद नहीं है इसलिए मैं नहीं डालूंगी। ये कलर भी कोई मतलब बुरा नहीं है कलर भी। तो चलिए अब मैं इस भाजी का टेस्ट टेस्ट करूंगी। काफ़ी अच्छी लग रही है, अभी टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा कैसी बनी है। कंसिस्टेंसी भी ठीक ही है, गुड इनफ, गुड इनफ नहीं, अच्छी बनी है। अच्छी बनी है पाव भाजी, काफ़ी अच्छी बनी है। लेकिन अगर आप कलर नहीं डाल रहे हो, जैसे कि मैंने फूड कलर नहीं डाला, तो थोड़े और टोमेटो डालना ज़रूरी है क्योंकि उसका जो कलर है वो ठीक से नहीं आया, तो थोड़े और टोमेटोज डाल देंगे तो कलर अच्छा आ जाएगा। नहीं तो स्वाद में मतलब ठीक ठीक है, अच्छी बनी है और ईजी भी है, फटाफट हो जाती है, जल्दी हो गई, बन गई मेरी ये पाव भाजी। इसमें ज़्यादा वेजीज नहीं थे, मैं जो बनाती हूँ घर में उसमें ज़्यादा डालती हूँ, जैसे कि बैंगन, कैरेट्स, फूल गोभी, वो सब भी डालती हूँ मैं, ग्रीन चिलीज, वैसा मतलब थोड़ा वेरिएशन तो सबके खाने में रहता है। लेकिन अगर आपको घर पे ट्राई करना है और अगर आपको लगता हो कि आपके पास टाइम नहीं है, जल्दी बनाना है कुछ, तो ये रेसिपी अच्छी है और खाने में भी काफ़ी अच्छी है, तो घर पे बना सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।